सबसे पहले गुड मोदी केयर मॉर्निंग। जितने भी हमारे यहाँ पे लीडर्स हैं, जितने भी हमारे यहाँ कंसल्टेंट हैं, सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सेशन में। और आज हम बहुत कुछ यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरा नाम मुबारक है, मैं हरियाणा से हूँ। कुछ सालों से मैं इस बिजनेस को बिल्ड कर रहा हूँ और उसी की जानकारी आज आप लोगों के बीच में शेयर करने वाला हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की जो जानकारी होगी वो जानकारी बहुत ही प्यारी है, बहुत ही अच्छी है, और उससे आप बहुत सारा कुछ यहाँ पे अर्न कर सकते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है, और सिंपल टॉपिक है हमारा, कि घर के खर्चे से कैसे हम आमदनी में कन्वर्ट करें, घर के खर्चे को हम कैसे अपनी आमदनी में कन्वर्ट करें, कैसे हम बदलें। तो उसी को लेके आज मैं आप लोगों के बीच में इस प्रेजेंटेशन को लेके आया हूँ। कुछ साल पहले जब मैंने इसकी शुरुआत की थी, तो स्टार्टिंग में मेरी समझ में नहीं आया था, लेकिन जब मैंने इसके कुछ आंकड़े और कुछ कैलकुलेशन देखा, कुछ समझा, तो उसके बाद मुझे ये सब कुछ समझ में आया। तो दोस्तों, मजे की बात ये है कि मैं यहाँ से लाखों की इनकम करता हूँ, खुद की गाड़ी से चलता हूँ, जो मुझे इस सिस्टम के थ्रू मैंने गाड़ी खरीदा, खुद के इस सिस्टम के थ्रू मैंने घर खरीदा, और ये सारी चीजें यहाँ पे पॉसिबल है। और सिर्फ छोटा सा एक काम करना है, और वो काम है कि अपनी सोच को बदलना है। अगर आप लोग अपनी सोच को बदल सकते हैं तो जिंदगी में आप बहुत कुछ बदल सकते हैं, आपकी जिंदगी में बहुत सारा परिवर्तन आ सकता है अगर आप अपने आप को बदलना चाहते हैं। तो इस प्रेजेंटेशन को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको पैसा कमाना अच्छा लगता है? तो यहाँ पे चैट बॉक्स है, आप उसमें मैसेज जरूर डालें। कितने लोग ऐसे हैं आप में से जिनको पैसा कमाना अच्छा लगता है? तो जल्दी जल्दी आप लोग शुरू करें लिखना, और उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। क्योंकि जिस चीज के लिए आज हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, अगर हम उस चीज के साथ नहीं है और वो चीज हम कर नहीं रहे, तो फिर मजा नहीं आएगा। थैंक यू, बहुत सारे लोगों ने मैसेज डाला, थैंक यू। और मेरा अगला सवाल, कितने लोग ऐसे हैं आप में से कि जो पैसे कमाने के साथ साथ मान सम्मान, खुद का मान सम्मान पाना चाहते हैं, खुद का सेलिब्रेशन पाना चाहते हैं? कितने लोग ऐसे हैं? वेरी गुड, वेरी गुड, जबरदस्त, नाइस, बहुत जबरदस्त। आप लोग बिल्कुल, देखिए क्या होता है, किसी भी मीटिंग को सुनने से पहले हमें एक्टिव होना बहुत जरूरी होता है। क्या हम प्रॉपर उस मीटिंग में हैं, ये देखना बहुत जरूरी होता है। अगर हम उस मीटिंग में हैं तो उसके लिए हमें एक्टिव होना बहुत ही जरूरी है, तभी जाके वो सारी चीजें हमारी समझ में आती है। दोस्तों, क्या आप अपनी खुद की आमदनी के साथ साथ अपनी खुद की पहचान बनाना चाहते हो? कितने लोग ऐसे हैं जो अपनी खुद की पहचान बनाना चाहते हैं? देखिए बहुत सारे लोग अभी चैट बॉक्स में मैसेज डाल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। बहुत सारे लोग हाथ खड़ा कर रहे हैं कि हाँ सर। मेरा आखिरी सवाल, और उसके बाद हम इस प्रेजेंटेशन को शुरू करने वाले हैं, कितने लोग ऐसे हैं आप में से जो मान सम्मान के साथ साथ अपनी खुद की पहचान के साथ साथ खुद के टाइम फ्रीडम पाना चाहते हैं, यानी कि आपके पास बहुत सारा टाइम है? कितने लोग ऐसे हैं? चैट बॉक्स में जल्दी 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 लिखिए दोस्तों, जल्दी जल्दी। वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए अभी आपके चैट बॉक्स, आपके मैसेज को देखने से ये लग रहा है कि जितने लोग आज यहाँ पे अभी हैं, जो लोग मुझे सुन पा रहे हैं, वो लोग बिल्कुल रेडी हैं ये सारी चीज पाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, आज की प्रेजेंटेशन की मैं शुरुआत करता हूँ। बहुत प्यारी सी प्रेजेंटेशन है, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये बहुत ही अच्छे से आएगी। तो मैं हमारे बीच में जो हमारे को-होस्ट है, मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि हमारा जो स्क्रीन है वो आपके सामने शेयर है, आपको दिखाई दे रहा है, स्क्रीन शेयर हो गया? यस सर है बिल्कुल। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। तो दोस्तों चलिए और आगे बढ़ते हैं हम, और इस प्रेजेंटेशन की शुरुआत करते हैं। प्रेजेंटेशन बहुत ही प्यारी है और बहुत ही बेहतरीन है, और इस पे जैसे सामने लिखा हुआ है, आपके सामने बिल्कुल नजरों के सामने इतने प्यारे अक्षरों में लिखा हुआ है, अपने खर्चों को आमदनी में बदलें। इसको देखने के बाद अंदाजा लग जाता है कि ये क्या है, अपने खर्चों को आमदनी में बदलें। इसको देखने के बाद ही आपको अंदाजा लग गया होगा कि आज हम जिस बात पे बात करने वाले हैं वो ये है कि हम अपने खर्चों को कैसे अपनी आमदनी में बदल सकते हैं। तो सबसे पहले हमें कुछ चीजों को जानना होगा, कुछ चीजें हमें क्लियर करनी होगी। सबसे पहले हमें जानना होगा कॉस्ट ऑफ लिविंग। दोस्तों
दोस्तों कोई भी सरकार आ जाए, कोई भी किसी की सरकार आ जाए, कोई भी नेता को आप वोट दे दो, लेकिन सच्चाई ये है कि महंगाई कभी नहीं रुक सकती, महंगाई कभी कम नहीं हो सकती। तो इसलिए ये महंगाई हमेशा बढ़ती रहेगी। और उसी तरह से आपके सामने एक स्लाइड है जिसमें साफ साफ अक्षरों में लिखा हुआ है कि मध्यवर्गीय परिवार की ये औसतन आय है जो 1960 में 100 रुपये हुआ करती थी, उसमें अपना खर्चा वो आराम से चला सकते थे, और अगले 20 साल में ये आमदनी बढ़ी, 100 रुपये की जगह जरूरत पड़ने लगी 1,000। अगले 20 साल में फिर ये आमदनी बढ़ी, और जहां पे सिर्फ 1,000 रुपये की जरूरत पड़ने लगी वहां पे आपको 10,000 की जरूरत पड़ने लगी। और दोस्तों अगले 20 साल में फिर ये बढ़ी, यानी कि सन 2020 में जिस फैमिली की इनकम 1960 में सिर्फ 100 रुपये में चल जाती थे, तो खर्चा उसको अब 1,00,000 रुपये की जरूरत पड़ने लगी। यहां तक तो सही है, यहां तक तो हम लोग आ गए, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या 2040 में जो इनकम यहाँ पे जरूरत है, क्या उस इनकम के लिए हमने तैयारी कर लिया है? हमें इनकम कितना चाहिए 2040 में, सबसे बड़ा सवाल ये है। 2040 में हमें इनकम चाहिए 10 लाख रुपए पर मंथ। अगर आपके पास 10 लाख रुपए कमाने का सिस्टम है तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत बधाई हो, और अगर नहीं है तो दोस्तों मैं फिर आपको आज एक बहुत सिस्टम अच्छा बताने वाला हूँ जिसमें आप ये सारी चीजें हासिल कर सकते हैं। इस इतनी इनकम में आप लग्जरियस जिंदगी नहीं जी सकते, सिर्फ सिर्फ एक नॉर्मल जिंदगी आप जी सकते हैं। तो दोस्तों आगे हम चलते हैं और हम कुछ आंकड़े जानते हैं जो अभी के आंकड़े हैं, जो अभी आप लोगों के बीच में है। 65% लोग आज दूसरी आमदनी के रास्ते ढूंढ रहे हैं, 65%। 65% लोग ऐसे हैं जो अपनी आमदनी के लिए एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ काम ढूंढ रहे, दूसरी आमदनी का रास्ता मोदीगिर बन सकता है। कैसे, इसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। कैसे बन सकता है? मार्केट और मोदीगिर, दुकान बदले और पैसा कमाए, बहुत सिंपल तरीका है। दुकान बदले और पैसा कमाए कैसे? आइए, आप लोगों को याद होगा कि खरीदारी करने का तरीका, 2010 तक किराने स्टोर चलते थे, आपने देखा होगा कि 2010 तक बहुत सारे लोग थे जो किराना स्टोर चलाया करते थे, और जहां से हम लोग सारे आमदनी अपने घर की जरूरत का सामान खरीदा करते थे। उसके बाद खरीदारी करने का तरीका बदला 2010 के बाद, मॉल जो हमारे हैं मार्ट चलने लगे, जैसे बिग बाजार, रिलायंस, इस तरह के बड़े बड़े मॉल्स कुछ चलने लगे जहां से लोग अपना सामान खरीदने लगे, लोग मॉल मार्ट जाने लगे क्योंकि वहां पर एक ही स्थान पर कई चीजें मिल जाती थी, साथ ही थोड़ा छूट और कुछ ऑफर भी मिल जाता था। बहुत बड़ी चीज है, इसको समझना। 2010 के बाद 2015 में खरीदारी करने का फिर तरीका बदला, और 2015 में अधिकतर लोग ऑनलाइन खरीदारी करने लगे, जिसमें से आप भी हैं। आपने देखा होगा कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट, दुनिया भर की ऑनलाइन साइटें चल रही है जहां से हम लोग ऑनलाइन प्रोडक्ट खरीदते हैं। उसके बाद अब हम आ गए 2021 में, यहाँ पे खरीदारी करने का एक नया तरीका है जो है डायरेक्ट सेलिंग। देखिए डायरेक्ट सेलिंग क्या है कि हमें सबसे पहले ट्रेडिशनल और डायरेक्ट सेलिंग को समझना होगा। आज जिस तरीके से ये जो मैंने पीछे खरीदारी करने का सिस्टम बताया उस पर लोगों ने यकीन किया और उस पर काम किया, उसी तरह डायरेक्ट सेलिंग भी अब सबसे बड़ा व्यवसाय करने वाला है। ट्रेडिशनल क्या है, आज तक हम लोग खरीदारी कहाँ से करते हैं? आज तक हम लोग कहीं ना कहीं लाला की दुकान से खरीदारी करते हैं, रिटेलर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, इस तरह एक चैन सिस्टम होता है, और जहाँ पे बहुत सारा पैसा इन लोगों को खर्चा किया जाता है जो एडवर्टाइजमेंट करते हैं, और उसके बाद हम लोगों को प्रोडक्ट जो मिलता है वो अच्छी क्वालिटी का नहीं मिलता। 35 रुपए का प्रोडक्ट कंपनी तैयार करती है, वो हम तक पहुंचते पहुंचते 100 रुपए का हो जाता है। तो उसके बाद जब वो 100 रुपए का हो जाता है तो ये बीच के जो बिचौलिए, लगभग 65% पैसा ये लोग खमा जाते हैं। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में क्या है, डायरेक्ट सेलिंग में ये बीच के बिचौलिए हटा दिए जाते हैं और सारा पैसा अब आपके अकाउंट में जाता है। तो दोस्तों चलिए आगे चलते हैं, जीवन में रोजमर्रा के सामान पर होने वाले खर्चे के बारे में आज हम लोग कुछ डाटा जानते हैं। मध्यवर्गीय यानी कि जो नॉर्मल लोग होते हैं, यानी कि जो मिडिल क्लास फैमिली होती है, अगर उनके बारे में हम बात करें तो मंथली उनका 5,000 रुपये का प्रोडक्ट घर में यूज हो जाता है। 5,000 रुपये का प्रोडक्ट वो लोग खरीदते हैं, और अगर हम उनसे नीचे जो गरीब तबके में लोग आते हैं अगर उनकी हम बात करें तो वो भी महीने में 3,000 रुपये तक का प्रोडक्ट खरीदते हैं। अगर 5,000 रुपये का आप लोग प्रोडक्ट खरीदते हैं, 12 महीने खरीदते हैं लगातार, और 70 साल तक लगभग लोगों की जिंदगी होती है, तो जिस दिन लोग पैदा होते हैं, बच्चा पैदा होता है, उस दिन से कस्टमर होता है, और जब तक वो दुनिया से जाता है तब तक कस्टमर ही होता है। अगर हम एक कैलकुलेशन निकालते हैं, 5,000 का प्रोडक्ट अगर हम 12 महीने खरीदते हैं
और अगर 70 साल का निकालते हैं तो दोस्तों देखिए यहाँ पे बात निकलता है, ये इतना पैसा लगता है अगर हर साल, और 70 साल में आपका कितना हो जाएगा, 29,40,000 पैसा। ये जो 70% पैसा है, ये पैसा बीच के जो बिचौलिए उनके पास चला गया, यानी कि हम लोग जो खरीदते हैं उसमें जो बीच के बिचौलिए होते हैं हमसे इतना सारा पैसा कमा लेते हैं। आप इसका कैलकुलेशन करके देख सकते हैं बिल्कुल। देखिए 5,000 यानी कि 12×5 60, 60,000 रुपये का एक साल में सालाना, और उसके बाद 60,000 को हम हर साल को इंटू करते हैं 70 से, अगर हम गुना करते हैं तो निकल के आता है इतना, और उसके बाद अगर 70% इसका निकालते हैं तो वो पैसा होता है 29,40,000। ये किसने कमाया? ये कमाया लाला जी ने, ये हमसे, और जो लोग गरीब लोग हैं उनसे भी लाला जी उनके 70 साल में 17,64,000 रुपये कमाते। लेकिन अगर हम खरीदारी करने का तरीका चेंज कर देते हैं, अब आप अपने खर्चे को आमदनी में बदल सकते हैं। कैसे? कि आपको खरीदारी का जो है सिस्टम उसको चेंज करना पड़ेगा। कैसे? आइए जानते हैं। उसके लिए मोदीकर सुपर स्टोर से अगर आप लोग खरीदारी करते हैं तो यहाँ पे आपको आजादी का एक रास्ता मिलता है। ऑनलाइन खरीदारी, होम डिलीवरी, 10,000 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट, यानी कि यहाँ पे आपको खरीदारी करने का अलग अलग तरीका यहाँ पे आपको मिल जाता है। जैसे कि आप यहाँ सुपर स्टोर से खरीद सकते हैं, ऑनलाइन खरीद सकते हैं, होम डिलीवरी करा सकते हैं, 10,000 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट यहाँ पे अवेलेबल है। उसके बाद आइए दोस्तों आगे जानते हैं हम लोग कंपनी के प्रोफाइल के बारे में। मोदी ग्रुप की स्थापना श्री राय बहादुर गुजरल मोदी जी ने 1933 में की। मोदी के हिस्सा है मोदी इंटरप्राइज का, जो मोदी इंटरप्राइज 63,000 करोड़ का ग्रुप है और आज 90 देशों में अपना व्यापार करता है, और 28,000 से ज्यादा इनके पास इम्प्लॉई है, और इनके बेटे हैं जिनका नाम है, इनके जो कृष्ण कुमार मोदी जी, उनके जो बेटे हैं समीर मोदी जी, उन्होंने एक नारा लगाया है, सोच बदलो, खुद को बदलो और दुनिया बदलो। सोच क्या बदलना है? सिर्फ खरीदारी का जो सिस्टम है उसको हमें बदल देना। आइए आगे जानते हैं समीर जी के बारे में, कि श्री समीर मोदी जी जो है मैनेजिंग डायरेक्टर है मोदी केयर के, चेयरमैन मोदी इंटरप्राइजेस के, 63,000 करोड़ का ग्रुप है, जीपीआई लिमिटेड है, इंडोफिल केमिकल, कलर बार कॉस्मेटिक 24/7, और बहुत सारी कंपनियां जिनको आज समीर मोदी जी चला रहे हैं। तो दोस्तों आइए मोदी केयर का फ्यूचर, मोदी केयर का जो है 500 कंपनी की ओर जो फ्यूचर प्लान है वो है, 500 कंपनियों की तरफ मोदी केयर आगे बढ़ रहा है, वो आपके सामने है। ये मोदी केयर का फ्यूचर है। आगे हम जानते हैं मोदी केयर की प्रोडक्ट रेंज क्या है। मोदी केयर की प्रोडक्ट रेंज हर वो प्रोडक्ट जो आपके घर में रोजमर्रा की जरूरत, जिंदगी में जो जरूरत होती है, वो सारा प्रोडक्ट यहाँ पे आपको अवेलेबल मिलता है। ये प्रोडक्ट आपको आर्थिक आजादी दिलाने में मदद करता है। ये प्रोडक्ट के बारे में हम बाद में जानते हैं कैसा, सबसे पहले हम जान लेते हैं मोदी केयर और मार्केट के शॉप के बीच का अंतर। मान लीजिए आप शॉप से खरीदते हैं और मोदी केयर से मैं खरीदता हूँ, तो अंतर क्या है? सबसे पहले गारंटी, मार्केट से कोई गारंटी नहीं, मोदी केयर से 100% लिखित में गारंटी। छूट, यानी कि मार्केट में कोई छूट नहीं लेकिन मोदी केयर में 20% तक आपको छूट मिलती है। ऑफर, मार्केट में कुछ नहीं लेकिन मोदी केयर में 10% तक आपको ऑफर मिलता है। कैशबैक, मार्केट में नहीं मिलता लेकिन मोदी केयर में आपको कैशबैक भी मिलता है। और लॉयल्टी की बात करें तो आपको लॉयल्टी भी 20% तक मिलती है। टोटल अगर हम बात करें तो लगभग 55% तक आप यहाँ से सेविंग कर सकते हैं। मोदी केयर आपको 10 तरह की इनकम कमाने का मौका देता है। सबसे पहला खपत पर बचत, यानी कि सेविंग ऑफ कंजप्शन। दूसरा रिटेल प्रॉफिट। उसके बाद अकुमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस, डायरेक्टरशिप बोनस, टीम बिल्डर बोनस, लीडरशिप बोनस, ट्रेवल बोनस, ड्रीम व्हीकल बोनस, ड्रीम हाउस बोनस और अटूट बंधन बोनस। दोस्तों 10 तरह की इनकम है। इस इनकम को ज्यादा डिटेल में जानने के लिए आज जिन्होंने आपको इन्वाइट किया, जिनके साथ आप इस बिजनेस में कनेक्ट हैं, उनसे एक बार जरूर संपर्क करें और उनसे बात करें। पिछले 4 साल का मोदी केयर का सफर दोस्तों, 2014 से 15 में मोदी केयर 95 करोड़ का टर्नओवर करती थी, और उसके बाद आज 2020-21 में 2000 करोड़ का टर्नओवर करती है। दोस्तों 10 गुना ज्यादा ये यहाँ पे अपना टर्नओवर करना इन्होंने शुरू कर दिया है। तो ये आप देख सकते हैं ग्रोथ क्या है। 2015-16 में 140 पे पहुंचा, 2016-17 में 270, और उसके बाद 2017-18 में 500, 2018-19 में 1000, और अभी 2020 में ये 2000 प्लस का टर्नओवर करने लगा है। लॉकडाउन में मोदी केयर बिजनेस का जो सफर रहा है वो है कि अप्रैल का जो सेल्स था 2020 में वो 122 करोड़ का सिंगल मंथ में था, अगस्त में 176 करोड़ और सितंबर में 194 करोड़, और अक्टूबर 2020 में 230 करोड़ का कंपनी साल दर साल आगे बढ़ रही है।
तो दोस्तों आपके लिए इससे अच्छा सुनहरा मौका नहीं मिल सकता। मोदी केयर 2025 तक क्या करने वाली है, 2025 तक मोदी केयर का जो है 15,000 से 20,000 करोड़ का टर्नओवर, लगभग 4,000 से 5,000 करोड़ जो है करोड़ रुपया लोगों में बांटा जाएगा और लाखों लोग मोदी केयर के कंसल्टेंट है जो करोड़पति होंगे। ये 2025 तक का मोदी केयर का जो सफर है, ये फ्यूचर प्लान है। तो दोस्तों आपका मैं स्वागत करता हूँ इस फ्यूचर प्लान में। मोदी केयर में बहुत सारे लोग हैं जो करोड़पति बन रहे हैं और कुछ उदाहरण आपके बीच में है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं जो धीमन सर हैं, यहाँ पे आप इनको देख सकते हैं, संजय बगारिया जी हैं, नेहा धर्मिंदर जी हैं, ये सारे लोग जो मोदी केयर में ऑलरेडी करोड़पति बन चुके हैं। और मोदी केयर में एक ऐसा सुनहरा जो है कि मोदी केयर एक नया सुपर स्टोर, सिफारिश करने सलाह देने से आपको आमदनी होती है दोस्तों, एक ऐसा सुपर स्टोर जहाँ पे लोगों को सलाह देने में, लोगों से इसके बारे में बताने से आपकी आमदनी होती है। विदेश यात्रा, कार के लिए पैसा, घर के लिए पैसा, मान सम्मान, रॉयल्टी इनकम, निष्कर्ष आय, पैसिव इनकम, ये सारी चीज यहाँ पे आपको मिल सकती है। और मोदी केयर जब इतने फायदे दे रहा है तो मोदी केयर से खरीदारी करने वाले लोग बढ़ रहे होंगे, जितने अधिक लोग खरीदारी वाले होंगे उतनी ज्यादा आपकी इनकम होगी। एक उदाहरण के लिए हम लोग जानते हैं, मान लीजिए आप 10 लोगों को जानते हैं और 10 लोग भी आगे मान लीजिए एक एक दो दो लोगों को जानते हैं, 10 से 20 हो सकते हैं, 20 से 50 हो सकते हैं, 50 से 100 हो सकते हैं, 100 से 500 हो सकते हैं, 500 से 1,000 हो सकते हैं लोग, 1,000 से 5,000 और 5,000 से 10,000 लोग हो सकते हैं। सिर्फ आपको ही नहीं, आपके दोस्त और उनके दोस्तों को भी ये फायदा मिलेगा। तो दोस्तों अगर हम इसको आगे इस तरीके से बढ़ाते हैं, अब एक छोटा सा हम लोग कैलकुलेशन लिखते हैं कि सोचिए कुछ साल बाद, 1 साल 2 साल बाद आपकी टीम में कुछ लोग हो जाते हैं, मान लीजिए 10,000 लोग, अगर 1,000 रुपये का बिजनेस वॉल्यूम करते हैं तो आपका 1 करोड़ का सेल जाता है और इनकम एवरेज रन 10 लाख से ज्यादा आपका होगा। इसमें आपने क्या किया, इसमें सिर्फ आपने सोच बदला, खरीदारी से अपने सिस्टम को बदला और आपने अपनी इनकम को यहाँ पे बढ़ा लिया। जितनी बड़ी टीम होगी उतनी बड़ी आपकी इनकम होगी और उसके बाद आपको कंपनी देती है विदेश यात्रा, सपनों की कार, अपने सपनों का घर, मान सम्मान, बेहतर जीवन शैली, वित्तीय स्वतंत्रता, सुरक्षा, सारी चीजें यहाँ पे आपको अवेलेबल है। एक ही जगह रह के ये सारी चीजें आप यहाँ पे पा सकते हैं। बहुत से लोग सफल हो रहे हैं सिर्फ अपनी दुकान बदल के, अगले सफल व्यक्ति आप हो सकते हैं, अगले सफल व्यक्ति आप हो सकते हैं। जी हाँ, देखिए यहाँ पे कुछ मैं उदाहरण आपको दिखाना चाहूंगा। ये डीएसपी थे सीबीआई में और जिन्होंने रिटायरमेंट, और इनकी हाउस जो 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 वाइफ थी, उन्होंने इनको, जिनकी वाइफ थी उन्होंने इस बिजनेस को शुरू किया नेटवर्क मार्केटिंग को, आलोक एंड मिताली मुखर्जी जी। मई 2017 में मोदी केयर ज्वाइन किया, 1 साल में एक विदेश यात्रा के साथ साथ महीने की इनकम 3,39,000 से ज्यादा ये कमाते हैं हर महीने। तो दोस्तों सोचिए कि ये बिजनेस कैसा है। यहाँ पे एक देखिए एक छोटा सा एक उदाहरण है और ये आज हिंदुस्तान में बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल बन चुका है। ये विजय अग्रवाल जी हैं जो 10वीं क्लास पास हैं और पानी के पाउच और अखबार बेचने वाले लड़के हैं, और ये इस बिजनेस में आए और इनका जो दिसंबर का जो पे आउट था वो 6,42,000। आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, दोस्तों ये हकीकत में ये बिजनेस लोगों को लखपति बनाने का बिजनेस है। ये मुनीष चोपड़ा जी हैं जो अमृतसर से हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे ये, और करंट में जो अभी इनकम है इनकी मोदी केयर से 10 लाख से ज्यादा है और ये अच्छी जो है जैगवार गाड़ी यहाँ से खरीद चुके हैं। जब ये बिजनेस करते थे, जब ये नौकरी करते तो 70,000 रुपये की सैलरी थी महीने की, लेकिन आज 10 लाख से ज्यादा महीने का ये कमाते हैं सिर्फ मोदी केयर से। तो दोस्तों ये बिजनेस करोड़पति बनाने का बिजनेस है। आपके सामने एक और फोटो है अक्षय दत्ता, जिन्होंने ये बिजनेस पढ़ाई के साथ साथ शुरू किया था, जैगवार खरीद चुकी हैं, 13,85,000 का इनका जो इनकम था, 5 साल पहले शुरू किया, 26 साल की एज अभी हुई है। तो दोस्तों सोचिए कि क्या है आप लोग, और अभी जो है पोर्च गाड़ी खरीदने के लिए इन्होंने बुक कर रखी है, वो खरीदने वाली है। अगर बात की जाए तो एज 26 साल, फरीदाबाद में रहती हैं, 68 लाख की जो है जैगवार चलाती हैं, इनकम 13 लाख से ज्यादा, पढ़ाई के साथ साथ मोदी केयर से इन्होंने ये इनकम हासिल की। तो आप लोग भी इस बिजनेस को कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। ये संजय हमारे संतोष जी हैं जो एक होटल में काम किया करते थे, होटल सॉरी बैंक में ये काम किया करते थे, आज ये बहुत बढ़िया इनकम पे हैं। ये हमारे यहाँ पे मंजुल शेट्टी जी जो एक होटल में वेटर का काम करते थे और आज ये एक बहुत बेहतरीन इनकम पे हैं। दोस्तों एक देखिए जीरो से हीरो तक का मुकाम, ये फर्श से अर्श तक, प्रमोद आचार्य, LIC एजेंट, कभी कर्जे के कारण आत्महत्या करने की परिस्थिति में थे, आज मोदी केयर से 40 लाख से ज्यादा रुपया महीने का कमाते हैं, मर्सिडीज गाड़ी से चलते हैं।
तो दोस्तों ये सारे लोग अगर कर सकते हैं तो फिर आप क्यों नहीं। डॉक्टर मेजर डॉक्टर अशोक एंड डॉक्टर शोभा पंजाबी, ये डॉक्टर प्रोफेशन के साथ साथ इन्होंने इस बिजनेस की शुरुआत की। आज मोदी केयर से ये 6 लाख रुपए, 2 गाड़ी खरीद चुकी है, 17 बार ये विदेश जा चुकी है। दोस्तों ये MBBS डॉक्टर हैं और मोदी केयर में एक अच्छी अपनी जिंदगी एंजॉय कर रहे हैं। और ये हमारे सबके गुरु माँ हैं जिनका नाम है, एक साधारण महिला जो हाउसवाइफ थी, आज मोदी केयर से नेटवर्क मार्केटिंग की सबसे अमीर महिला बन गई है। आज महीने का 1 करोड़ कमा रही है, 1 करोड़ 27 लाख से ज्यादा ये कमाती हैं। दोस्तों इनके पास बहुत सारी गाड़ी है और बहुत सारी लोगों की जिंदगी बदल चुकी है। पैसिव इनकम एक निष्कर्ष आए 2 से 5 साल काम करने के बाद एक ऐसा सिस्टम बन जाता है जो आपके रहते तो आपको पैसा देता है और आपके नहीं रहने पर भी आपके परिवार को पैसा देता है। तो दोस्तों आइए जानते हैं, देखिए यहाँ पे कुछ उदाहरण है जो दोस्तों जिन्होंने मोदी केयर शुरू किया था, मोदी केयर जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। ये लेट चंदन पाल जी हैं जो उड़ीसा से हैं, एक NGO चलाते थे और उनके बाद इन्होंने मोदी केयर शुरू किया। दिसंबर में इनकी डेथ हो गई थी 2018 में, लेकिन अभी भी मोदी केयर से 70 से 90 हजार रुपये इनकी वाइफ को हर महीने आते हैं। और जिस जहाँ पे NGO चलाते थे वहां पे इनकी इनकम उसी दिन बंद हो गई जिस दिन इनकी डेथ हुई थी। ये हमारे राजस्थान से वीरू टेलर, ये मोदी केयर से पहले टेलरिंग का काम करते थे और इनकी कोरोना के कारण इनकी डेथ हो गई थी और आज ये महीने का इनकी फैमिली को 5 लाख से ज्यादा हर महीने पैसा जाता है। तो दोस्तों एक ऐसा बिजनेस जो जिंदगी के साथ भी जो जिंदगी के बाद भी। दोस्तों एक चक्कर पानी जो है 2019 में डेथ हुई थी, मई में जो उनकी इनकम है 1.5 लाख से ज्यादा आई उनकी फैमिली को। आलोक शाह कैंसर के कारण डेथ हुई थी 2021 में, उनकी पत्नी का जो कांता शाह है उनको 3 लाख रुपये महीने की इनकम। तो दोस्तों एक ऐसा बिजनेस जो बिजनेस जिंदगी के बाद भी पैसा देता है। ट्रेनिंग से जानवर भी साइकिल चला सकते हैं, मोदी केयर में आप करोड़ों रुपए कमाने वाले ट्रेनिंग देते हैं कि आप कैसे अपने सपनों को पूरा करें। तो दोस्तों यहाँ देख पा रहे होंगे कि ट्रेनिंग के बाद लोग कैसे कैसे काम करते हैं, यानी कि जानवर जो है वो भी गाड़ी चला सकते हैं। तो दोस्तों एवरी संडे शाम को 6 बजे के 30 मिनट पर हमारी जो सबकी टॉप अर्नर है डॉक्टर सुरेखा भार्गव, वो हर संडे 6:30 बजे हम लोगों को सिखाती है कि हम लोग कैसे यहाँ से लाखों की इनकम कर सकते हैं। तो वहां पे भी आप लोग ये सीख सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को सिखाने के लिए बहुत बड़ा सिस्टम तैयार है। मोदी केयर को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन निशुल्क है, फ्री है। रजिस्ट्रेशन के लिए आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र कोई भी एक और केवल पैन कार्ड की आवश्यकता होती है। पहली खरीदारी 3,000, 6,000, 15,000 रुपए की, जैसा आप चाहते हैं वैसे आप शुरू कर सकते हैं। याद रखें हजारों मील की यात्रा पहले कदम से शुरू होती है। तो दोस्तों सबकी जिंदगी जीरो से शुरू होती है, एक कदम से शुरुआत होती है। तो आज आप भी इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। आपके लिए मैं 3 सवाल, अपने सपनों को पूरा करने के लिए यदि मोदी केयर नहीं तो क्या, दूसरा सवाल यदि मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा, और तीसरा सवाल यदि अभी नहीं तो कब। ये आप अपने आप से एक बार सवाल करिए। दोस्तों मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप लोग जिंदगी में यहाँ पे बहुत कुछ करने वाले हैं। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद, और उम्मीद करता हूँ कि आज मेरे द्वारा दी गई जो जानकारी है, मेरे द्वारा जो प्रेजेंटेशन है वो आप लोगों की समझ में आई होगी और आज सबको अलग यूनिक आपको कुछ दिखा होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज आपकी समझ में आई होगी, कैसे हम अपने घरेलू खर्चे से अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों अब